अगर आपको क्रिस्टल चेक करना है तो सबसे पहले कुछ सेटिंग चेक करना होगा, चेंज करना होगा, ठीक है। तो सेटिंग के लिए सबसे पहले दबाइए CH1। अगर चैनल 1 की सेटिंग करना है तो, अगर सर चैनल 2 की सेटिंग करना है तो CH2, ठीक है। पहले CH1, और CH1 के आगे जो लिखा हुआ है DC कपलिंग, मैंने कपलिंग कपलिंग के आगे जो लिखा हो ना DC, DC को चेंज करके आपको यहाँ पे करना है AC, ठीक है। AC मोड हो गया। इसके अलावा एक काम और करना है, प्रोब प्रोब को 1x के जगह पे 10x करना है, ठीक है, 10x। उसके अलावा प्रोब के ऊपर यहाँ भी एक सेटिंग्स है, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। इसको भी आपको 10x में लेके जाना है, 10x देख रहे हैं, नीचे में 10x है, ऊपर में 1x है। इतना सेटिंग करने के बाद इसको एक बार ऑटो कर देना है। ऑटो के लिए यहाँ पे ग्राउंड पे लगाइए, ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ पे टच करके और ऑटो प्रेस कर दीजिए। ऑटो प्रेस करने के बाद ये खुद ही ऑटो सेट ले लेगा और 1 MHz की फ्रीक्वेंसी ये बना लेगा, ठीक है। अब ये क्रिस्टल चेक करने के लिए रेडी हो गया है। अब हम लोग क्रिस्टल चेक करते हैं। इससे क्रिस्टल चेक करने के लिए AC मोड को सेलेक्ट करना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे कुछ फ्रिक्वेंसी बन के आ रहा है, ठीक है। अब इस फ्रिक्वेंसी को चेक करने के लिए इसको इसको वोल्टेज डिवीजन से छोटा या बड़ा कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। और सेकंड वाले डिवीजन से इसकी सेट कर सकते हैं टाइमिंग, ठीक है, आ रहा है साफ सुथरा। अब इसको अगर मेजर करना है कितनी हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी बनी है, उसके लिए क्या करना होगा, आपको लगाना होगा मेजर। ये है मेजर, मेजर दबाइए और यहाँ पे ऑन कर दीजिए ऑल पैरामीटर्स। ऑल पैरामीटर्स में यहाँ पे देखिए दिख रहा है 32.76, दिख रहा है, यस सर। ये फ्रिक्वेंसी 32 KHz की फ्रिक्वेंसी रेडी है, ठीक है। इसी तरह से दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों में ही आपको दिखने चाहिए। जैसे इसमें दिख रहा है एक इनपुट पॉइंट और एक आउटपुट पॉइंट, दोनों में के अंदर ही आने दे। लेकिन इनपुट वाले में जो इनपुट पॉइंट है उसमें थोड़ा सा साइन वेव थोड़ा डिफरेंट रहेगा, आउटपुट वाले पॉइंट में एकदम क्रिस्टल रहेगा, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी 32.768 KHz की ही रहेगी। अगर ऐसा होता है इट मीन्स कि आपकी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है।